गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स सिविक्स चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी. आज के हम सिविक्स का तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी. तो सबसे पहले क्या है हम डायवर्सिटी को समझेंगे कि डायवर्सिटी क्या होता है. क्या होता है डायवर्सिटी? डायवर्सिटी इट मीन अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो डायवर्सिटी क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में वो क्या है, सबके सब क्या है, डाइवर्स है. मतलब हमारी सोसाइटी में सब क्या है, रीजन अलग अलग है, रीजन अलग है, सबकी क्या है लैंग्वेज अलग है, और यहाँ तक कि फूड और फेस्टिवल्स भी सबके क्या है अलग अलग होते हैं. सबके जो क्लोथ्स हैं वो भी क्या है अलग अलग होते हैं, और कल्चर भी क्या है सबकी अलग अलग होती है. तो हमारी सोसाइटी क्या है डाइवर्स सोसाइटी होती है. मतलब सबके जो पहनावा है, खान पान, रहन सहन क्या है सबका अलग अलग है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं. तो डाइवर्सिटी का मीन हमें समझ लिया है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी क्या होती है, एक यूनिक डिफरेंसेस होती है. ठीक है, सब अपने में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं. ड्रो योर ओन ह्यूमन फिगर, इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स. तो फर्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल के जरिए समझा रखा है कि आप क्या है अपने अपने ह्यूमन फिगर ड्रॉ करोगे, और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या आपकी जो ह्यूमन फिगर है जो आपने ड्रॉइंग बनाई है क्या वह दूसरे बच्चे के ही समान. अपनी क्लास में ह्यूमन फिगर बनाने के लिए बोला जाए सब बच्चों को, तो क्या होगा, सब बच्चों के जो ह्यूमन फिगर्स हैं जो उन्होंने ड्राइंग बनाई है वो क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी, वो एक जैसी नहीं होगी. इट इज, तो क्या होगा ये सबकी अलग अलग होगी. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर, कि आपकी जो ड्राइंग है वो किसी दूसरे के सिमिलर होती है. इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. ऐसा नहीं होता है कि आपकी ड्राइंग किसी दूसरे बच्चे के लिए समान हो. जैसे उसकी ड्राइंग है आपकी भी ऐसी ड्राइंग है. कोई बच्चा मतलब फेस अच्छा बनाता है तो कोई हाथ पैर अच्छे से बनाता है. तो इसलिए बताया कि जो ड्राइंग स्टाइल होता है ना वो भी सब बच्चों का क्या है अलग अलग होता है. तो इसलिए क्या है सबकी यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है. सिमिलरली वी आर लिविंग इन ए डाइवर्स सोसाइटी. तो जिस तरह हम क्या है क्लास में जो सब बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सबकी यूनिक डाइवर्सिटी होती है, सब क्या है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो इसी प्रकार क्या है सोसाइटी में भी हम सब क्या है अलग अलग होते हैं. सब सोसाइटी में क्या होते हैं, जो लोग रहते हैं वो क्या है सब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और क्या है उनका अलग अलग रिलीजन होता है, और क्या होता है उनका पहनावा भी अलग होता है, उनके फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं, और क्या होंगे जो क्लोथ्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और फूड भी उनका क्या है अलग अलग होता है. तो उसी प्रकार से सोसाइटी में बताया है कि जो सोसाइटी है वो क्या है हमारी यूनिक है, डाइवर्स है. तो इसने एग्जाम्पल बताया जैसे वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स. सोसाइटी में क्या है सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ तक कि जो उनकी लैंग्वेज होती है वो भी क्या है डिफरेंट होती है. बिले उद्योग डिफरेंट कल्चर, और जो उनका कल्चर होता है जो संस्कृति होती है वो भी क्या है वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं. बैकग्राउंड रिलीजन एंड रीजन, यहाँ तक कि जो उनका सोशल बैकग्राउंड होता है वो भी क्या है सबका अलग अलग होता है. कोई समाज में क्या होता है ज़्यादा अमीर होता है, कोई गरीब होता है, रिलीजन उनका धर्म अलग अलग होता है, और रीजन जैसे मतलब एरिया, जैसे कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई क्या है गुजरात से है, तो वहाँ पर क्या है उनका रीजन का क्या है अलग अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे इसमें चैप्टर में स्टोरी ऑफ संगीत एक एंड संगीत दो. तो इस चैप्टर में क्या है स्टोरी के जरिए हमें डाइवर्सिटी के बारे में समझाना चाह रहा है कि इस स्टोरी में आ रहा है इसमें समीर एक और समीर दो, दो बच्चों की स्टोरी बता रहे हैं इसमें कि एक बच्चा जो थे होंगे दोनों का नाम समीर था, एक का नाम क्या था समीर एक और दूसरे का नाम क्या था समीर दो. तो क्या होता है इसमें फर्स्ट डे जब ट्रैफिक लाइट पे जब रेड लाइट होती है तो उस टाइम क्या है एक बच्चा साइकिल पे होता है, तो तभी क्या है दूसरा बच्चा आता है और वो क्या है
रहा होता है, तो वो न्यूज़ पेपर जो देखने वाला जो बच्चा है वो साइकिल सवार वाले बच्चे से बोलता है कि आपको न्यूज़ पेपर चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे हिंदी वाला न्यूज़ पेपर ही आपको चाहिए। तो वो एकदम मतलब उसको देख के आश्चर्य हो जाता है उसको कि मतलब आप देखने में अंग्रेज लगते हो, आप क्या है हिंदी वाला न्यूज़ पेपर आपको क्यों चाहिए। तो तभी क्या होती है जो ट्रैफिक लाइट होती है वो ग्रीन हो जाती है और वहाँ से वो चल देते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर वो दोनों वहीं पे मिलते हैं। जो न्यूज़ पेपर वाला होता है वो क्या है बिना कोई रेंज करके वो क्या है न्यूज़ पेपर दे देता है, वो कहता है कि यह आपका अखबार भैया जी। तो जो साइकिल पे होता है तो उसको क्या है वो उसको न्यूज़ पेपर ले लेता है। तो फिर वो कहता है कि आप क्या है देखने में तो बिल्कुल अंग्रेज हो लेकिन आपको हिंदी कैसे आती है। तो जो साइकिल पे सवार होता है वो कहता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है हिंदी ही रहा है, स्कूल में मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, मैं क्या है हिंदी लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। तो वो कहता है जो न्यूज़ पेपर देख रहा होता है तो लड़का कहता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो तभी जो ट्रैफिक लाइट होती है वो रेड से ग्रीन हो जाती है और दोनों वहाँ से फिर वो चल देते हैं। नेक्स्ट डे फिर उसी जगह पर वो रेड ट्रैफिक लाइट पे मिलते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट डे जब न्यूज़ पेपर देता है जो बच्चा होता है तो वो कहता है कि भैया आज बताओ कि वो सब्जेक्ट होता क्या है। तो वो कहता है कि सब्जेक्ट मैं कैसे बताऊँ आपको कि मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा तो आपको सब्जेक्ट क्या होता है। वो कहता है सब्जेक्ट एक कोई पढ़ाने की चीज़ होती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो कहता है कि आप क्या आप कभी स्कूल नहीं गए हो। तो जो वाला जो लड़का होता है वो कहता है कि प्राउडली कहता है वो कि मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, मैं जब से होश संभाला है तब से मैं क्या है न्यूज़ पेपर ही देख रहा हूँ। पहले मैं अपनी मदर के साथ आता था लेकिन आजकल क्या है वो मेरठ गई हुई है और मैं अकेले ही न्यूज़ पेपर देख रहा हूँ। तो फिर वो कहता है जो साइकिल पे जो मोटरसाइकिल सवार होता है कि जो आपकी मदर है वो किसकी गई कहाँ गई है। वो कहता है कि मेरठ गई है, वो क्या है मेरठ में दंगों में फंस गई है, मेरठ में दंगे हो गए हैं, पुलिस हो गए हैं, इस कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकती, उसकी क्या है आंखों में पानी आ गया। तो तभी जो साइकिल पे सवार होता है वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम समीर है। तो वो कहता है कि मेरा नाम भी क्या है समीर है। तो इसमें बताया है कि दोनों में डिफरेंसेस कितना है स्टोरीज में सर। और तो वो कहता है और बार बेचने वाला कि मैं क्या हूँ मुस्लिम फैमिली से हूँ, मतलब वो मुस्लिम है और जो साइकिल पे है वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों का रिलीजन अलग है और दोनों की क्या है जो सोशल बैकग्राउंड है एक अमीर है एक गरीब है। तो दोनों का सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों का नाम क्या है समीर है। तो इसी को ही मतलब डाइवर्सिटी को समझाने की कोशिश कर रहा है स्टोरी के माध्यम से कि मतलब दोनों का नाम समीर है, समीर एक समीर दो तो अपना नाम रख लेते हैं। तो दोनों में इतना डिफरेंस क्या है मतलब दोनों में नाम समान होते हुए इतना डिफरेंस है। तो समीर जो एक है वो क्या है क्वालिटी क्या होती है इनइक्वालिटी
comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person. मतलब एक इनक्वालिटी क्या होती है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की कंपैरिजन में ना तो अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकता है और ना ही अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनक्वालिटी बोलते हैं. मतलब एक पर्सन उन अपॉर्चुनिटीज का यूज कर सकता है और दूसरा पर्सन उन अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकता है, तो उसको इनक्वालिटी बोलते हैं. तो अदर पर्सन कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनक्वालिटी. और जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनक्वालिटी. अब दूसरा जो एग्जांपल है वो कास्ट सिस्टम है, वो क्या है, इनक्वालिटी का सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल है. अब कास्ट सिस्टम क्या है, सोसाइटी में क्या होती है, कुछ अपर कास्ट होती है और क्या है, पहले जो सोसाइटी थी वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड थी, कुछ अपर कास्ट के लोग थे, कुछ क्या है लोअर कास्ट के लोग रहते थे, तो उनको क्या है जो फैसिलिटी थी जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं होती थी जितनी की अपर कास्ट के लोगों को प्रोवाइड होती थी. इस प्रकार क्या है इनइक्वालिटी होती सोसाइटी में और उसके कारण क्या होती थी इनइक्वालिटी के कारण अनटचेबिलिटी भी होती थी. मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते थे अनटचेबिलिटी होती है उनकी में कुछ अछूत होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो क्या है उनको क्या है मतलब अनटचेबल भी अनटचेबल समझा जाता था. मतलब अगर वो किसी भी रिसोर्सेज का यूज करते थे तो उनको क्या है जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनको क्या मानते थे वो अछूत मानते थे. मतलब हमारे काम करने नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे.